वाले हैं रीडिंग या फिर आई मोड के बारे में। तो गाइस दोनों जो मोड है वो एक ही मोड कहलाए जाते हैं, तो इनको आप आई प्रोटेक्शन एंड रीडिंग मोड को कैसे इनेबल करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने हैं और फॉलो करने हैं। ओके तो चलिए गाइस सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जाना आपको अपनी फोन की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर हम सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। सेटिंग के अंदर आने के बाद गाइस अगर आप चाहें तो आपका नोटिफिकेशन पैनल भी आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल अपना ओपन कर लिया। इसको अगर हम थोड़ा स्वाइप करें ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको आई प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप सिंपल तरीके से इस पर टैप करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपका आई प्रोटेक्शन इनेबल हो जाता है। ओके और यहीं से गाइस आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं ठीक है। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपका ये सिंपल तरीके से ऑफ हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखते हैं और देखते हैं इसकी सेटिंग क्या होती है। तो आई प्रोटेक्शन के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो आई प्रोटेक्शन का आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑलवेज ऑन ऑफ हो जाएगा। सनसेट एंड सनराइज़ के हिसाब से आप क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपका शाम और सुबह के हिसाब से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा ठीक है। अपने हिसाब से इसको कस्टम टाइम के हिसाब से भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं, टाइम लगाना चाहें कि इस टाइम से हमारा इस टाइम तक ऑन ऑफ रहे ठीक है। इसका जो इंटेंसिटी है वो गाइस यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है। आई होप कि आप सारा कुछ समझ पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर जो आपका आई प्रोटेक्शन मोड है वो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।